अम्मी जो है ना यहाँ पे सोनिया को प्यार दे रही है भाई। अम्मी जो है ना बहुत प्यार करती है सोनिया से, अम्मी और ऐसे ही आ रही थी है। अम्मी जो है ना वो सोनिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और सोनिया भी अम्मी को देख के तो थोड़ा सा रोना शुरू हो गई थी। हेलो जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खुदा के रहम करम से ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे अम्मी भी है और खुदा का शुक्र है मेरी बेटी सोनिया बिल्कुल सही हो गई है, खुदा उसको अपने बच्चों में आबाद है। हाँ तो सही क्या हो गई, हम लोग हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में सुबह 7 बजे से और खुदा ने वो दिन दिखाया जिसका हमें इंतज़ार था। तो जो है अभी बाकी का जो है वो सारा आपको गोपाल भाई के व्लॉग में मिलेगा कि बेटा हुआ या बेटी, वो खुदा ने हमें बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है। और यहाँ पे अम्मी बहुत ज़्यादा खुश है और अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान था, अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी और अम्मी लेबर रूम में रोना शुरू हो गई थी, तो अम्मी इसलिए बाहर आ गई थी। तो शुक्र है खुदावंद का कि अब सब ठीक है। तो यहाँ पे गोपाल भाई सुबह से बहुत परेशान है, सुबह 6 बजे से सोनिया को लेके आए हुए थे हॉस्पिटल, 4 बजे आए थे, 4 बजे हॉस्पिटल आए थे। तो यहाँ पे अभी दिखाते हैं कि गोपाल भाई की कंडीशन कैसी हो रही है। तो यहाँ पे गोपाल भाई देखो कितने सैड है, और यहाँ पे ये जो है ना हम लोग खुश भी बहुत ज़्यादा है, सैड भी है, परेशान बहुत ज़्यादा थे ना 4 बजे से। हाँ हाँ, और सोनिया बिल्कुल ठीक है, और जो बिल्कुल जो अभी उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो उसको भी आपसे मिलवाते हैं। और गोपाल सुबह 4 बजे से आया था लेकिन हमें इसने सुबह 7 बजे कॉल की है। और जा रहे हैं हम सैमी के पास। अम्मी क्या हुआ? अम्मी जो है ना खुशी से रो रही है। क्यों रो रहे हो भाई? सनिया जो है बहुत ज़्यादा खुश है। खुश हैं, ऐसी बात है, पहले परेशान थी। हम लोग तकरीबन 7 बजे से हॉस्पिटल में और अभी 11 बजने वाले हैं। और फीवर उसका उतरे, फीवर की वजह से ही ये सारा मसला हुआ है ना। बताओ यहाँ पे सोनिया को हम लोग लेके आ गए हैं कमरे में, और सोनिया अब ठीक हो ना? तो अब ठीक है, अब थोड़ी बहुत जो है वो, लेकिन ये है कि बुखार से जो है सोनिया के लिए और बेबी के लिए आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है और बहुत सारा दुआओं में याद रखना है। और यहाँ पे कामरन भी आ गया। हाँ यहाँ पे आ चुकी है जी छोटी पुप्पो और बड़ी खुश है। हाँ मैं और सनिया तो जैसे गोपाल ने कॉल किया ना हम लोग फिर तैयार होकर निकल आए थे। हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया, हम लोगों ने बोला कि जाके पहले सोनिया की तबीयत देखें तो उसके बाद फिर। हाँ तो यहाँ पे जाना अम्मी आज तीसरी फूफा क्यों नहीं आई अभी तक, तो उसको मैं कॉल करती हूँ और बताती हूँ कि जो है ना जल्दी से आ जाए। और यहाँ पे जो है ना ये और गोपाल भी आ गया। हाँ आप उसको कॉल कर दे, हम लोग तो हॉस्पिटल में थे, हम तो टेंशन में थे, तो आप तो सही थी, आप उसको हॉस्पिटल फोन कर देते। हमें आ गई, हमें इमरजेंसी आए भाई, हमें पता था कि सोनिया भाभी तबीयत सही नहीं, तो मैंने कामरन को बोला आओ हम लोग भी चलते हैं, अच्छी बात भी जाना चाहिए। हाँ ये तो अच्छी बात है कि आप आ गई हो, ये अच्छी बात नहीं है कि आपने शकीला को नहीं बताया। वो जॉब पर जाती है और वो उसका ज़्यादातर सुबह के टाइम ऑफ टाइम ही होती है। तभी करते हैं शकीला को भी कॉल ताकि जो है ना तीसरी को वो भी आ जाए है ना। हाँ तो बस आप लोगों ने दुआ में याद रखना है। हाँ सोनिया को और सोनिया के बेबी को, बेबी को दुआ में बहुत सारा याद रखना है और बहुत सारा प्यार देना है जैसे हमेशा देते हैं। टांगे सुन हो रही है मेरे ख्याल में। जो है ना अम्मी और मैं जा रहे हैं सोनिया के लिए कुछ नाश्ता लेने। वैसे तो भाई आसिफ गया हुआ है घर पे, लेकिन यह है कि उसको फ़ौरन से कुछ खाना है क्योंकि उसकी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी वो दर्द हो रही है नाफ की। तो पहले हम लोग ले आए नाश्ता तो फिर आपसे करते हैं शेयर। इधर है ना होटल। अम्मी जो है ना वो सोनिया के लिए लेने आ गई है। अम्मी नज़र ही नहीं आ रही है, क्या हुआ? हाँ अम्मा
तो यहाँ पे अम्मा जो है ना आ गई है सोनिया के लिए ब्लॉग। मेरी तस्वीर ना लेना, मैं क्या हम क्यों लेंगे बेटा तेरी, हम अपनी लेंगे। हाँ तो यहाँ पे जो अम्मी लेने लगी है नाश्ता, सोनिया के लिए नाश्ता लेते हैं। तो यहाँ पे बॉयल अंडे नहीं मिल रहे हैं तो वो घर से मंगवाए हैं, और चाय शाय तो बिस्किट वगैरह मैंने बोला उसको खिलाएं ज़रा ताकि उसके पेट में कुछ जाए। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल वापस, और सोनिया के लिए थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए लेके आए। हाँ तो अम्मी जो है ना, अम्मी जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, शुक्र है खुदा का अम्मी अब ठीक है। जो है ना सोनिया को चाय वगैरह डाल के दे रही है, कम दे रही थी ना, दो कप है ना, तो फिर वो थोड़ी सी अम्मी को दो क्योंकि अम्मी की तबीयत सही नहीं है। और यहाँ पे सोनिया को थोड़ा बहुत नाश्ता करवा के फिर थोड़ी सी मेडिसिन देते हैं, तो उसके बाद फिर हाँ मारिया हाँ। तो असल में घर तो हमारा नज़दीक है, लेकिन जो है ना हम लोग जल्दी जल्दी में आ गए कुछ लेके नहीं आए। तो ये प्यार ही है भाई, ये नफरत है। बंदे ने साफ बता दिया मैं प्यार नहीं करती। मारिया को ना असल में पता नहीं है क्या बात कर। तो जो ना हम लोग जो ना सारे भाई सोनिया से बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों ने सोनिया के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। और ये गोपाल भाई को पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हुआ है, कमर दर्द, और तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए गोपाल ऐसे ही जो है ना। है मिठी बताओ, मिठी बताओ, कंधे पे उठा के लाया था सुबह सुबह 4 बजे। है बिट्टी बताओ ना, कोई बात नहीं, खुदा जिंदगी दे, जरा हमें बता रहे हैं तो सारे बोल ही लेना। वाण आंदे ने चिगाट होए वाण बड़ा लग रहा है। हाँ तो बस आप लोगों ने जो है ना सोनिया के लिए और इसके बेबी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, दुआओं में याद रखना है। और यहाँ पे जो है ना सनिया जो है ना ये भी बहुत जल्दी सैड हो जाती है मेरी तरह, है ना नसीब मुकद्दर। हाँ तो नसीब हमारे अच्छे, शुक्र है खुदा का तेरे मुकद्दर काम करते हैं। हाँ नहीं शुक्र है खुदा का नसीब अच्छे हैं उसको, देखो सोनिया मिली, बच्चे मिले, हम जैसे इतने अच्छे बहन भाई मिले, अम्मा जैसी माँ मिली, तो उसके नसीब अच्छे नहीं होंगे। हैं बताओ बताओ मारिया सही कह रही मैं क्या मतलब लफ्ज नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है नॉलेज नहीं है हैं। तो सनिया जो है ना ये काफी परेशान है, सनिया भी जाएगी घर पे है ना, घर पे जाएगी बच्चों को देखेगी, और जो है ना थोड़ा सा मैं कह रही थोड़ा सा सूप वगैरह बना के ले आएंगे। चले जी गाइस, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और हमारी खुशी में शरीक होइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।